हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट मंडी में दो दिन पहले किसी ने गर्भवती गाय को पटाखा खिला दिया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा कुछ दिन पहले केरल में एक गर्भवती हथनी के साथ हुआ था। तो खैर, मेरी गुरदयाल जी से सुबह बात हुई तो ये गाय पहले से बेहतर है, उसकी चिकित्सा चल रही है, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। आप सोचिए ना, हमें तो डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता है, तो जिसके मुंह में बम फट गया हो उसके ऊपर क्या बीती होगी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी गाय के साथ हिमाचल में ऐसा हुआ है, पर हाँ, पहली बार मामले ने तूल पकड़ी है। 2014 से हम पीपल फार्म चला रहे हैं, तब से लेके आज तक बहुत सी गाय, बहुत से कुत्ते इन पटाखों की भेंट चढ़ चुके हैं। सिर्फ इन पटाखों की ही नहीं, यहाँ पे क्लच वायर का एक शिकंजा बनाया जाता है सुअर पकड़ने के लिए। उसमें भी बहुत सी गाय का पैर आता है और वो कट जाता है, बहुत से कुत्ते उसमें फंस जाते हैं और वो मर जाते हैं। ये जो शिकंजे हैं, ये गाय के लिए या कुत्तों के लिए या हाथियों के लिए नहीं लगाए जाते, ये ज़्यादातर लगाए जाते हैं सुअरों के लिए, जो खेती उजाड़ देते हैं या लोग उन्हें खाना चाहते हैं, और अब ये बंदरों के लिए भी लगाए जा रहे हैं। तो जब हमारे संविधान में धारा 428 है, जिसके चलते 2 साल की जेल हो सकती है अगर आप किसी ऐसे जानवर को मारे जिसकी कीमत 10 रुपये से ऊपर है, धारा 429 है, जिसके चलते अगर किसी जानवर की कीमत 50 रुपये से ऊपर है, आप उसे मारते हैं या उसका कुछ अंग काट देते हैं, तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे जानवर को मारते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसे वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, तब भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट के तहत आप उसको बुरी तरीके से या तड़पा के या जहर दे के नहीं मार सकते, तब भी 6 महीने की जेल है। फिर भी लोगों की ऐसी हिम्मत क्यों होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो कानून के निर्देश क्लियर हैं, ना उनकी मीडिया कवरेज क्लियर है, ना ही सोशल मीडिया का शोर क्लियर है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके सेक्शन 5 में कुछ जानवर वर्मिन डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें आ गया चमगादड़, चूहे और कौए। इन जानवरों को मारा जा सकता है। इसके अलावा हर राज्य के अपनी अपनी लिस्ट है, तो हिमाचल में इसमें आ गया सुअर, बंदर और नीलगाय। तो जो मारेंगे भी, जो कलिंग भी है, वो इनह्यूमेन नहीं हो सकती। उसको आप जहर दे के नहीं मार सकते, उसको आप पटाखे दे के नहीं मार सकते। जब वो मारें, वो एक स्पेसिफिक तरीके से मार सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट जो है वो सस्पेंड होना हो गया है, ना ही उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुपरसीड करता है। तो जब तक ये निर्देश बड़े ही क्लियर तौर पर नहीं आएंगे कानून से, मीडिया में, पुलिस को जब तक ये बात नहीं पता चलेगी, आम पब्लिक को जब तक ये बात नहीं पता चलेगी, लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मैं इस पे आऊं कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि क्योंकि केरल में ऐसा हो गया, हिमाचल में ऐसा हो गया, एक किसान ने ऐसा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है केरल खराब है, हिमाचल खराब है, हम किसान खराब हैं। देखिए, कुछ ही लोग हैं जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से सारे किसान या सारा राज्य बदनाम होता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पूरा राज्य खराब नहीं है, कुछ लोग हैं जो खराब हैं। अब बात आती है कि आप इन लोगों के खिलाफ कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कानून की समझ चाहिए, तो हमने एक लिंक ऊपर दिया है जिसमें हमने सारी ये धाराएं मेंशन की हैं, आप इन्हें पढ़िए, ताकि आप जब ऐसी कोई क्रुएलिटी देखते हैं, आप विटनेस करते हैं और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान ने आपको क्या क्या राइट्स दिए हैं, एनिमल्स को क्या क्या राइट्स दिए हैं, आपको इसकी पूरी समझ होनी ज़रूरी है। एक बात और, ये जो हम पिटीशन साइन करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है पिटीशन्स का। तो ये जो पिटीशन्स हैं, ये जागरूकता के लिए ठीक है, पर ये मत सोचिएगा कि ये कोई कानूनन बदलाव ला सकती हैं। कानून में बदलाव तभी आएगा जब आप कोई PIL फाइल करेंगे या आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे फाइल करेंगे। लेकिन देखिए, कानून जो है, जो हमारे समाज का कानून है, वो ह्यूमन सेंट्रिक है, वो आदमी के लिए बना है। तो अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप नैतिकता की बात करेंगे, तो वो आपको दरकिनार कर देंगे। तो अगर आप PIL फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, तो इस बेसिस पे करिए कि ये जो जानवरों को मारा जा रहा है, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट के अगेंस्ट जाके मारा जा रहा है, और ये असंवैधानिक बात है। देखिए, जो गाय को मारे जाने वाली बात है, हथनी को मारे जाने वाली बात है, बंदरों को मारे जाने वाली बात है, ये तो आजकल चल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जानवर हैं जो मर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर निकले, आप देखेंगे कितनी मुर्गियां हैं जो दड़बों में हैं। ठीक है, उन्हें मारना कानूनी तौर पे ठीक है, लेकिन जिस तरह उनको रखा गया है, जिन दड़बों में उसे रखा गया है, वो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट की अवहेलना है। तो ये असंवैधानिक बात है, और आप इसको लेके पुलिस के पास जा सकते हैं। पर हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस के चक्कर में पड़ना, कानूनी गलियारों के चक्कर काटना, ये सब बड़ा ही पेचीदा मामला है, जटिल काम है, इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है।
तो एक चीज है जो थोड़ी सरल है और आप अपने समय पे कर सकते हैं, वो है इन जानवरों को अपनी प्लेट की भेंट ना चढ़ने देना। देखिए, समाज सरकार लोगों से है, जब आप और मैं हम बदलेंगे तो समाज और सरकार अपने आप बदल जाएगा।